एक युवक द्वारा अपने ही घर की चौखट पर टूथब्रश करना उसके पड़ोसियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इस युवक को डंडों और लोहे की रॉड से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया और इसके बाद आरोपियों ने खुद को भी किसी चीज़ से घायल कर लिया और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हो गए। लेकिन भगवान का दर्जा दिए जाने वाले चिकित्सक ने पक्षपात करते हुए अपने जानकार आरोपी पक्ष को तो उपचार के लिए भर्ती कर लिया मगर वास्तविक पीड़ित इलाज के लिए अस्पताल में चिकित्सक की मिन्नतें करता रहा और खून बहता रहा। हमले की पूरी तस्वीरें पीड़ित के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बावजूद इसके पुलिस पीड़ित पर ही समझौता करने का दबाव बना रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं रिवाड़ी के गोलचक्कर की, जहां रहने वाला यह युवक कल सुबह अपने घर की चौखट पर खड़ा होकर ब्रश कर रहा था, लेकिन उसके पड़ोसियों को यह नागवार गुजरा और पहले तो उनका पूरा परिवार उसके साथ गाली गलौज करने लगा, फिर विरोध करने पर एक युवक ने इसे डंडे और लोहे की रॉड से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद अस्पताल भर्ती होने से पहले खुद को जख्मी कर अस्पताल में दो अन्य के साथ भर्ती हो गया, क्योंकि यह चिकित्सक का जानकार था, लेकिन इसे ना तो भर्ती किया गया और ना ही इसका इलाज किया गया। चिकित्सक का कहना था कि पहले पुलिस आएगी और उसके बाद इलाज होगा। आखिर में काफ़ी खून बह जाने के बाद इसे अपनी प्राथमिक चिकित्सा निजी चिकित्सक के लेनी पड़ी। पुलिस ने इसकी शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन अब इस पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस उसे डरा भी रही है कि समझौता नहीं किया तो दूसरी पार्टी उसे किसी अन्य मामले में फंसा देगी। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि इसे लेकर पुलिस और ट्रॉमा सेंटर का कोई भी चिकित्सक कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं है। रिवाड़ी से अजय अत्री, आज़ाद टीवी न्यूज। मेरे को, मैं पेस्ट कर रहा था अपने घर के बाहर और पड़ोसियों ने मुझे पेस्ट के लिए मना किया, अपने घर के सामने कर रहा था और उन्होंने इसी बात का बतंगड़ बनाकर मेरे ऊपर डंडे और रोड से हमला किया और उनकी औरतों ने भी हमला करा, मेरे बीवी बच्चों तक पर अटैक किया। और उसके बाद मैं थाने गया रिपोर्ट लिखवाने, थानेदार ने मेरी कंप्लेंट दर्ज की और थानेदार ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया कि आप जाकर MLR लिखवाइए। और मैं MLR लिखवाने गया तो उन्होंने, डॉक्टर रविंदर वर्मा ने मुझे MLR बनाने से मना कर दिया और एक घंटे पश्चात उन्होंने मेरे को बुलाया और उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं MLR नहीं बना सकता क्योंकि आप पहले पुलिस वाले को लेकर आओ या कंप्लेंट लेकर आओ। और जबकि मैंने उनको कहा कि मैं कंप्लेंट दे चुका हूँ, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा तुम्हारे पास पुलिस वाला नहीं है। तो फिर मैंने उनकी थानेदार साहब से बात करवाने की कोशिश की तो उन्होंने बात तक करने से मना कर दिया। पुलिस की जो सुबह डिपार्टमेंट थी वो मेरे सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए मेरे लिए बोल रहे थे, लेकिन दोपहर बाद पुलिस वालों ने मेरे पर दबाव बना दिया कि ये तुम्हें दूसरे इल्जाम में फंसा सकते हैं कोई भी लेडीज़ केस लगाकर, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लो तो वो आपके लिए बेहतर और आप माफ़ी मांग लो।